है सबसे। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक आदमी एक संत महात्मा जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। संत महात्मा जी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम इतने गरीब इसलिए हो कि तुम किसी को कुछ देते नहीं। आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार, मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि स्वामी जी, मेरे पास तो कुछ देने को है ही नहीं, मैं क्या दूँ। तो स्वामी जी बड़े संतोष भाव से उसको कहते हैं कि तुम्हारा ये चेहरा एक मीठी मुस्कान किसी को दे सकता है। तुम्हारा ये मुंह, इससे निकलने वाले शब्द किसी को संतोष दे सकते हैं, किसी के हृदय को सहानुभूति से भर सकते हैं। और तुम्हारे ये हाथ किसी की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसे सहयोग दे सकते हैं। तो धन की गरीबी गरीबी नहीं कहलाती है, आत्मा की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी कहलाती है। जो व्यक्ति किसी को देता नहीं है, वो व्यक्ति ही किसी से पाने का हकदार नहीं है।